बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। दर्शकों, आज के अंक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मिलना, आपसे बातें करना हमेशा ही एक बेहतरीन अनुभव होता है और यही कारण है कि कृषि दर्शन कार्यक्रम का समय ना तो आप भूलते हैं ना हम भूलते हैं। अच्छी जानकारियां लेकर आपसे जुड़ते हैं हमेशा ही। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूनम आनंद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। 3 साल के अंतराल पर भूमि की मृदा का कराएं परीक्षण। खेत की तैयारी के समय गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट का करें प्रयोग। मूली की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा हेमानी। अब समाचार विस्तार से। 3 साल के अंतराल पर अपनी भूमि की मृदा का परीक्षण एक बार अवश्य कराएं। एक पूरी फसल चक्र के बाद मृदा का परीक्षण हो जाना बेहतर है। हल्की या समस्याग्रस्त भूमि की मृदा का परीक्षण बहुत ही जरूरी है। खेत की तैयारी के समय प्रति हेक्टेयर 100 से 150 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट का प्रयोग करें। जमीन की जुताई इतनी करें कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। बुआई से 1 माह पहले चूने का व्यवहार कर अम्लता दूर करें। दीमक के लिए जुताई के समय मिथाइल पॉराथियन 2% धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। पशुपालक भाई, बदलते मौसम में पशुओं में बीमारियों की संभावना ज़्यादा होती है। खासकर बकरियों को बीमार पशुओं से अलग रखें। आहार व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें, इससे बकरियों में रोग होने की संभावना कम हो जाती है और पशुपालक को अधिक लाभ होता है। यदि आप बकरी पालन कर रहे हैं तो बकरियों के आवास और आहार पर ध्यान देना जरूरी है। आवास में साफ और सुखी जगह बकरियों के लिए उपयुक्त है। साथ ही आहार में पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान दें और टीकाकरण समय पर लगवाएं। अभी इस समय बदलते मौसम में अभी बीमारियों की संभावना भी ज़्यादा होती है। आप कोशिश करें कि बकरियों को, जो बीमार बकरियां हैं, बीमार पशु हैं, उससे अलग रखें। खाने पीने पर विशेष ध्यान दें, भरपूर पोषक तत्व दें। साथ ही साथ आवास का प्रबंध बहुत ही ज़रूरी है। बकरियां साफ़ सुथरा और सूखा आवास पसंद करती हैं, तो आप अगर इन बातों पर ध्यान देते हैं, साथ ही साथ टीकाकरण करते हैं, तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। मूली की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और पौधा से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में जापानी वाइट, पूसा हिमानी, पूसा रोशनी, पूसा देसी, काशी हंस लगाएं। मूली की खेती के लिए उपजाऊ हल्की मिट्टी, जैविक अंश से भरपूर अच्छे जल निकास वाली मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फुर 50 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। ध्यान रहे, मूली की बुआई सीधी पंक्तियों में करें। किसान भाई, खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है फूलगोभी या पत्ता गोभी फसल में हीरा पृष्ठ कीट के नियंत्रण के बारे में। फूलगोभी या पत्ता गोभी की खेती कर रहे हैं तो अपनी फसल में हीरा पृष्ठ कीट के रोकथाम के लिए नियंत्रण के लिए 3 प्रकाश ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। इसके लिए 1 एकड़ खेत में 3 अलग-अलग स्थानों पर बाल्टी में पानी भरकर रखें और उसके ऊपर बल्ब जला दें। इससे 3-4 दिनों में अधिकांश वयस्क कीट मर जाएंगे और फसल सुरक्षित रहेगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विराम के बाद आप सबों का फिर से स्वागत है। मौसम में ठंड बढ़ रही है, ओस गिर रहे हैं, शीत बढ़ रहा है। ऐसे में अगर फसल हमारे खेतों में लगे हैं तो उनमें कीटों का प्रकोप भी बढ़ेगा। कैसे करें कीट प्रबंधन, आइए ये जानकारी लेते हैं इस कार्यक्रम। सब्जी फसल नकदी फसल है और इसकी खेती सालों भर की जाती है। यही इसका सबसे सकारात्मक पक्ष है, यानी वजह है कि किसान सब्जी फसलों की खेती के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन सब्जी फसलों की खेती का कमजोर पक्ष भी है और वो है कीटों का प्रकोप। कीटों के नियंत्रण पर किए जाने वाले खर्च इससे होने वाले मुनाफे को कम कर देता है। राज्य के किसान इस समस्या के निदान के लिए समेकित कीट प्रबंधन करें। समेकित कीट प्रबंधन यानी कि कीट व्याधियों के रोकथाम के वो तमाम उपाय जो खेत की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक अपनाना जरूरी हो। अभी रबी के मौसम में मुख्य रूप से बैंगन, टमाटर, फूलगोभी और पत्ता गोभी की खेती होती है। इन फसलों को कीटों से सुरक्षित रखने के लिए नर्सरी में बिचड़ा तैयार करने के समय ही ध्यान देना शुरू कर दें। मुख्य रूप से हम यहाँ पे टमाटर का, बैंगन की और गोभी वर्गीय जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी स्पेशली इनकी खेती करते हैं और कुछ बीन्स लगाते हैं। इनमें किसान भाई हम बार बार देखते हैं कि हमारा जो सबसे ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग होता है वो सब्जियों में होता है। सब्जियों में भी मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो बैंगन में और आपका गोभियों में बहुत ज़्यादा इसका में कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। और इसमें आमतौर पर देखा गया है कि जब कीट का प्रकोप हो जाता है तो आप जितना स्प्रे करते हैं उसके हिसाब से किसान मुनाफा भी नहीं कमा पाते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो कीट है उसकी सही पहचान और उसका सही समय पर अगर नियंत्रण करते हैं तो आपको निश्चित रूप से कीट का प्रबंधन भी होगा। लेकिन किसान भाई ये ध्यान रखिए कि जब जब कीट का प्रबंधन आप करते हैं तो किसान भाई एक ही ध्यान देते हैं, वो देते हैं कि उनका छिड़काव करें और छिड़काव से कीट मर जाए और हमारे को बहुत मतलब उसमें ज़्यादा कुछ न करना पड़े। लेकिन अगर आपको कीट को नियंत्रण करना है, कीट को प्रबंधन करना है, हम नियंत्रण की बात नहीं करके प्रबंधन करना है, क्योंकि कीट तो रहना है वहाँ पर, अगर रहता है तो प्रबंधन की सोचते हैं। रबी सब्जी फसलों में बेहतर समेकित कीट प्रबंधन तभी संभव होगा जब हमें इस मौसम में लगने वाले कीटों की सही जानकारी होगी। बैंगन में मुख्य रूप से फल छेदक, तना छेदक और माइट लगता है, जबकि टमाटर फसल में फल छेदक कीट वायरस जनित रोग का वाहक सफेद मक्खी का प्रकोप होता है। इसी तरह फूल गोभी और पत्ता गोभी में भी हीरा पृष्ठक कीट के अलावे कई कीट लगते हैं। अगर हम बैंगन की बुआई करते हैं तो किसान भाई सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जैसे आप बैंगन का पौध तैयार कर रहे हैं वहीं पर इसके कीट का आक्रमण होता है। सबसे पहला कीट है जो आपको फल, आपका फल में भी छेद करता है और ऊपर से जो आपका बढ़ रहा है तना वहाँ पे कीट का प्रकोप होता है, उससे पीछे की तरफ सूखता हुआ जाता है। अगर आपको ऊपर में सूखा सूखा मुरझाया हुआ दिखाई देगा ये कीट के प्रकोप से होता है। पहला कीट ये है जिसको फल एवं तना छेदक बोलते हैं। दूसरा कीट है, आप कई बार देखते हैं कि ऊपर से आपको सही दिख रही है, फसल में पानी दे रहे हैं लेकिन सही दिख रही है, लेकिन पत्तियां आपकी थोड़ी सी मुड़ रही हैं और अगर पीछे की तरफ घुमा के देखते हैं तो बहुत सारा आपको जाला दिखाई देगा। तो उस जाले के अंदर में अगर देखते हैं तो बहुत सारा छोटा छोटा कीट दिखाई देता है जिसको हम माइट बोलते हैं। ये आपका मुख्य रूप से फल तना छेदक ये कीट, और यही आपका दूसरा आपका जो टमाटर है, टमाटर में भी आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे छेद कर किया फल के अंदर छेद करता है तो वो एक कीट है। दूसरा कई बार हम देखते हैं कि टमाटर का पौधा कुकड़ा जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में, पूरा पत्तियां सिकुड़ना शुरू करती हैं और उसके बढ़वार रुक जाती है, एक दो पौधों में शुरू होता है और आपका पूरा खेत वैसा कुकड़ा जाता है। किसान भाइयों, रबी सब्जी फसलों में कीट प्रबंधन के लिए नर्सरी में ही पौधा संरक्षण शुरू कर दें। इसके लिए मिट्टी, बीज और बिचड़ा तीनों का उपचार करें।
इसके लिए कवकनाशी दवा का घोल और सौर्यकरण उपचार का सहारा लें। बिचड़ों को नर्सरी से निकालकर खेत में रोपने से पहले भी उसे कीटनाशी और कवकनाशी के घोल से उपचारित कर लें। आपका जो फूल गोभी पत्ता गोभी है उसमें बहुत सारा कीट लगता है, कीट लगने के बाद में पत्तियां खा जाता है जिससे आपका कार्ड नहीं बन पाता है, और उसके अंदर अगर कीट लगा हुआ है तो आपका कार्ड सड़ जाता है। तो उस सब जो कीट है इनके नियंत्रण के लिए, प्रबंधन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो आप गाछ जिसको बोलते हैं नर्सरी जहां तैयार कर रहे हैं उसका प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। उसको अच्छे से आप वहां पे जो पौध है उसको अच्छे से तैयार करें। पहला है कि अब आप जहां पे भी पौध तैयार कर रहे हैं उसको या तो नेट से, मच्छर नेट से या किसी और साधन से आप उसको ढक कर रखिए, और ढकने के बाद में जो आप जो जिस मीडियम पे उगा रहे हैं उसको वो या तो उपचारित हो किसी कीटनाशक और कवकनाशी के द्वारा, या फिर आपका सोलर के द्वारा सौर्यकृत जो भी गर्मी के द्वारा उसको उपचारित करके उसको उसमें डाल करके फिर आप पौध तैयार करें। सब्जी फसलों में कीटों के प्रकोप को कम करने का सबसे आसान उपाय है बहुफसलीय खेती। इसके अलावा मुख्य फसल के चारों ओर सीमा प्रहरी के रूप में ऐसी फसल लगाना जो कीटों को रोकने का काम करता है। इसमें बैंगन के साथ धनिया और टमाटर के साथ पीला गेंदा फूल लगा सकते हैं, और बैंगन फसल के चारों ओर मक्का फसल लगा देने से भी कीटों का हमला कमजोर हो जाता है। एकल मोनोक्रॉपिंग जिसको एक ही फसल लगाते हैं तो उसमें कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप ऐसी फसलें या तो दो फसलों को मिला करके बुआई करें या उसमें फल पास क्रॉप, जैसे आप बैंगन की 5 लाइन लगाने के बाद में हर एक एक लाइन के अंदर में धनिया पत्ता और खेत के चारों तरफ में मक्का ही लगाएं। इससे क्या होगा, जो आपका कीट है वो उसकी तरफ आकर्षित और प्राकर्षित, मतलब धनिया के द्वारा आपको वो कीट दूसरी जगह भागेगा और जो मक्का है उससे आकर्षित होगा, तो आपकी जो मुख्य फसल है उस पर ये कीट अंडे नहीं दे पाएगा। इसी तरह आप टमाटर के अंदर 5 लाइन के बाद में 1 लाइन जो पीला गेंदा फूल होता है उसकी बुआई करें। उससे क्या होगा कि जो आपकी सफ़ेद मक्खी जिसकी बात मैं कर रहा था कि ये कीट बीमारी को प्रसारित करती है, वो कीट आपका उस गेंदा फूल से उसकी तरफ आकर्षित होगा और आपकी मुख्य फसल बच जाएगी। दूसरा है कि जब गेंदा फूल जब लगाते हैं तो एक निमेटोड बीमारी आती है जो जड़ों के अंदर आपकी गांठें बना देती है टमाटर में, वो बीमारी का प्रकोप कम करती है। फूलगोभी और पत्ता गोभी में कीटों के आक्रमण को निष्प्रभावी बनाने के लिए सीमाबंदी फसल के रूप में देसी सरसों लगा दें। हालांकि रबी सब्जी फसलों में कीट नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशी का उपयोग ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको जो जैविक कीटनाशक है जैसे बीटी है, बैसिलस थ्रोन्जेसिस बीटी का पाउडर मिलता है, ये पाउडर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप फूल गोभी पत्ता गोभी और इसके साथ में बैंगन में या टमाटर में इसका आप समय समय पर छिड़काव करें। इससे आपके क्या होगा कि जो कीट है वो आपका मर जाएगा। और दूसरा है कि अगर आपको कीटनाशक की ज़रूरत है तो जहाँ रस चूसने वाले कीट है वहाँ पे इमिडाक्लोप्रिड 0.3 ml प्रति लीटर या थायोमेथोक्साम 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी से, अगर जहाँ पे पिल्लू हैं उनके लिए फ्लूबेंडामाइड फेम 0.3 ml पर लीटर या स्पाइनोसेड जो सक्सेस के नाम से मिलता है 0.4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। किसान भाइयों, रबी सब्जी फसलों में कृषि वैज्ञानिक द्वारा बताए गए तरीकों से समेकित कीट प्रबंधन करें। इससे कीट नहीं लगेंगे, आपको आपकी पूरी उपज मिलेगी और मिलेगा 100% मुनाफा। लाह उत्पादन में झारखंड भारत में पहले स्थान पर है, और लाह की खेती मुख्य रूप से कुसुम, पलास और बेर के वृक्ष पर की जाती है। अपने राज्य झारखंड में भी सबसे अधिक बेर के पेड़ पर लाह का उत्पादन होता है। इसके लिए किसान आम तौर पर बेर के वैसे वृक्षों को चुनते हैं जिन पर नहीं के बराबर फल लगते हैं। अब जबकि किसानों की आय दुगनी करने का प्रयास जोर शोर से चल रहा है, तो बेर के फलदार वृक्षों पर लाह उत्पादन करने पर ध्यान केंद्रित करना बेहद जरूरी है। इसके लिए फलदार प्रजातियों वाली बेर का फल बाग लगाएं, पौधा रोपण के लिए अनुशंसित आकार का गड्ढा खोदें, मिट्टी के साथ कंपोस्ट और चूना मिलाकर गड्ढा भरें। सबसे पहले तो किसान भाई पौधे में पौधों से पौधों की दूरी को आप बनाएंगे, तो उसके पहले सबसे पहले आपको 1.5 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट
कि आपको गड्ढे खोदने होंगे, उसमें भरपूर मात्रा में कंपोस्ट चूना डालना होगा, क्योंकि झारखंड की मिट्टी अम्लीय है, ये सब मिला के आपको तैयार करना होगा, बरसात के मौसम में आपको उसमें लगा देना होगा, और लगभग 6 से 8 वर्षों के बाद यह लाख की खेती के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप इस पे समेकित कृषि वानिकी प्रणाली से अपनाना चाहते हैं, जिस पे कि आप बीच के क्षेत्र में आप कोई भी मौसमी फसल लगा सकते हैं, जैसे साग सब्जी, तो उसके लिए कतारों से कतारों के बीच की दूरी को आप 5 फीट भी रख सकते हैं, ताकि आसानी से ट्रैक्टर वगैरह को चलाया जा सके। और अगर आप 4x4 मीटर की दूरी रखते हैं तो लगभग 1 हेक्टेयर में 625 पेड़ आएंगे, और अगर 5x4 की दूरी रखते हैं तो 1 हेक्टेयर में लगभग 500 पेड़ आएंगे। किसान भाइयों, बेर की कोमल टहनियों पर लाह के कीट सहजता से पलते हैं और लाह उत्पादन करते हैं। कुसुमी लाह लगाने का उपयुक्त समय है जून जुलाई। इस समय नई कोमल टहनियां हो, इसके लिए जनवरी फरवरी में ही पेड़ की कटाई छटाई करें। नई टहनियों पर लाह चढ़ाने से पहले फीफ्रोनिन दवा से उपचारित कर लें। बीहन लगाने के 21 दिन बाद फुंकी जरूर उतार लें। सबसे पहले तो आपको पेड़ को तैयार करना होगा लाह फसल के लिए, क्योंकि लाह के कीड़े जो होते हैं वो कोमल टहनियों पर ही होते हैं, तो इसको समय पर इसकी कटाई छटाई करनी होती है। तो अगर आप कुसमी लाह की खेती करना चाहते हैं तो जनवरी फरवरी में सबसे पहले इसकी कटाई छटाई करें। आप देखेंगे कि जून जुलाई में आपको भरपूर मात्रा में नई टहनियाँ मिल जाती हैं, और फिर आप जून जुलाई में आप बीहन लाख का संचालन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये तैयार हुआ, उसके बाद आप जब आपके पौधे तैयार हो गए हैं तो आप बीज का चयन करेंगे। जैसे साधारण फसल में हम बीजोपचार करते हैं, उसी तरह बीहन लाख में भी हम बीजोपचार करते हैं। ये जो उपचार करते हैं इसलिए शत्रु कीट जितने होते हैं वो सारे मर जाते हैं और हमारे लाख कीट सुरक्षित रहते हैं। आपको इंतजार करना होगा 21 दिन तक, क्योंकि ये कीड़े जो हैं ब्रूड लग से 21 दिन तक बाहर निकलते हैं। 21 दिन के बाद जो बच जाते हैं आपके बीहन लाख, उसको बोलते हैं फुनकी। फुनकी को जरूर पेड़ से उतार लेना चाहिए, ताकि हमारे जो कीड़े हैं अन्न प्रकोप से बचे रहें। इसके बाद आपको इनकी सुरक्षा की आपको ध्यान देना होगा। इसमें आपको समय समय पर कीटनाशकों दवा का छिड़काव करना होगा। तो सबसे पहले हम 30 दिन पे छिड़काव करते हैं, उसके बाद 45 दिन के अंदर दूसरी छिड़काव करते हैं, और तीसरा छिड़काव हम फिर 90 दिनों पे करते हैं। दवा के रूप में हम अगर बात करें तो कीटनाशक के रूप में हम कई दवा का प्रयोग करते हैं, जैसे बॉम्बार्ड हुआ, फिप्रोनील हुआ, इंडोक्साकार हुआ, इसकी निश्चित मात्रा देनी चाहिए, और साथ में कार्बेंडाजिम जो है इसको 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में देना चाहिए। ये कार्बेंडाजिम क्या है कि फफूंदनाशक दवा है, और किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में जैसे मौसम खराब होते हैं, बादल होते हैं, तो उसमें फफूंद नहीं हो पाएगा ब्रूड लग में। तो इस तरह का किसान भाई, और एक और ध्यान देने की बात है कि जो हम केमिकल डालते हैं वो एक ही दवा तीनों बार ना डालें, बल्कि बार बार उसको बदल बदल के दवाएं। और इस तरह का किसान भाई अगर आप खेती करेंगे तो आपको बेर पे, फलदार बेर पे आपको काफ़ी ज़्यादा आपको गुड लग। लाह उत्पादन करने वाले कीटों को शत्रु कीटों से खतरा रहता है, जबकि बरसात के मौसम पर फफूंद के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। शत्रु कीटों के बचाव के लिए बॉम्बार्ड, फीफ्रोलिन या इंडोस्काकार्ब दवा का 3 छिड़काव अनुशंसित अंतराल पर करें, जबकि फफूंद से बचने के लिए कार्बेंडाजिम दवा का छिड़काव करें। ध्यान रहे, बार बार एक ही कीटनाशी का छिड़काव बिल्कुल ना करें। लाह कीटों के संरक्षण के लिए हम लोगों ने एक समय दिया है कि समय समय पे हमको दवा का छिड़काव करना है, लेकिन कुछ ऐसे समय हैं जहाँ पर कि लाह कीट से मेल निकलते हैं, नर कीट निकलते हैं, उस समय अगर खेतों में दूसरा खड़ी फसल है अगर आप उसमें छिड़काव करते हैं तो हमारे जो नर ये कीट हैं वो मर सकते हैं, और हमारा जो लाह का उत्पादन है वो इफेक्टेड होगा। तो वो कुछ क्रिटिकल समय है जिस पे कि ध्यान देना चाहिए, उस समय हम किसी भी रसायन का उपयोग ना करना चाहिए। किसान भाई, जो झारखंड की मिट्टी है यहाँ पे अमूमन 10 साल में एक औसत के तहत 10 किलोग्राम आपको फल प्राप्त होगा एक पौधे से। अगर बाज़ार में इसकी कीमत 40 रुपये होती है तो एक पौधे से लगभग आपको 2000 रुपये मिलेंगे। वहीं आप बेर पर देखें, अगर 10 वर्ष के पौधे हैं उस पर 2 किलोग्राम अगर बीहन लाख लगाते हैं तो उससे आप लगभग 15 किलो बीहन लाख
उत्पादन कर सकते हैं। बाजार में अगर 300 रुपये किलो के हिसाब से देंगे तो आपको 4500 रुपये आपको एक पेड़ से निकलेंगे। अगर आप इसमें से खर्च काट लें, बीहन लाख का और दवा का काट लें, तो शुद्ध लाभ आपको 3700 रुपये होंगे। तो जहाँ पर आपको एक पेड़ फल लेने से आपको 2000 रुपये का फ़ायदा होता है, वहीं आप अगर लाह लेंगे तो 3700 रुपये का फ़ायदा होगा। तो उन्होंने ये कह सकते हैं कि ये जस्ट डबल होगा। हमारा उद्देश्य है कि हम बेर के फल उत्पादन से भी लाभ कमाएं और लाह उत्पादन से भी। तो इसके लिए बेर के वैसे उन्नत प्रभेद वाले पौधे लगाएं जो लाह उत्पादन के लिए भी अनुकूल हो और अधिकाधिक फल उत्पादन देने में भी सक्षम हो। किसान भाई, मैं कहूँगा कि फलदार बेर पे आप कुसमी की खेती करें, और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में लगाना चाहिए, लगभग एक एकड़ या हेक्टेयर या आधा हेक्टेयर में, और उसको दो भागों में बांटिए। क्योंकि बार बार अगर आप लाह लेंगे तो पौधे कमज़ोर होंगे, तो एक बार अगर आप लाह लेते हैं और आधे एरिया में, और फिर दूसरी बार उस पर फल लेते हैं, तो दूसरी बार आपको फल से आमदनी होगा, और जो सेकेंड पार्ट है उस पर आप लाह लेंगे तो फिर लाह होगा। इस तरह अगर आप रोटेट करेंगे तो आपके पौधे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप निरंतर फल भी ले पाएंगे और लाह भी ले पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कर पाएंगे। बेर के फलदार वृक्षों पर लाह उत्पादन से अधिक मुनाफा प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम एक एकड़ से अधिक भूभाग पर बेर का फल बाग लगाएं। इसके लिए आधे हिस्से से फल उत्पादन, आधे पर लाह उत्पादन करें। हर साल फल और लाह उत्पादन वाले वृक्षों का पाला बदलते रहें, इससे बेर का फल उत्पादन भी बेहतर होगा और लाह उत्पादन भी। जो जानकारियाँ आज आपके साथ साझा करनी थी वो साझा कर चुके हैं हम। अब बारी है आपकी, आप हमें अपने सवाल, अपने सुझाव अवश्य लिख दीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। अब मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।